हॉकी टीम के लिए तलाश है फटाका खिलाड़ियों की, देखें उन्हें फटाका मिलता है या फटके। प्लीज वेलकम परेश एज शाहरुख एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। और ये बॉल अशफाक खान के पास और अशफाक खान एकदम गोल पोस्ट के पास और ये अरे ये बॉल कहाँ गया? और बॉल दूसरी टीम वाले छीन कर ले गए। अरे ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो खुला चीटिंग है। मैं बॉल अपने घर से लाया था। मिस्टर अशफाक, तुम्हें टीम से बाहर किया जाता है। सॉरी सर। 70 मिनट पास मांगने में लगा देते हो, इतनी देर में सामने वाला खिलाड़ी गोल कर देता है। अरे सुनो, ठीक है कोई बात नहीं कोच जी, आपने मुझे निकाल दिया, अब मैं कोच बनकर दिखाऊंगा। 12 लड़कियां तैयार करूंगा, 11 हॉकी के लिए और एक अपने लिए। सुरविन तू आना, क्योंकि 12वीं खिलाड़ी तू ही है। गुरुजी मुझे हॉकी सिखा दीजिए। अरे ऐसे कैसे हॉकी सिखा दूंगा, और ये क्या है, चलो उठाओ। अच्छा। अरे मुझे नहीं, घूंघट उठाओ। अरे इससे तो घूंघट ही अच्छा था। प्लीज मुझे हॉकी सिखा दो सर। सर मेरे बड़े फायदे हैं, मैं एक गोल करूंगी और 3-3 गोल होंगे। अरे मोटी ये खेल इतना आसान नहीं है। अरे सर हम सीरियल वाले ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि दिमाग का दही कर देते हैं। पहले वाला जो मेरा पति था ना, उसने पर डे पैसा ज्यादा बढ़ा दिया तो मैम ने उसे मार दिया। बाद में मुझे देवर ने रख लिया। जब उसने मुझे तलाक दिया तो मैं भतीजे के साथ सेट हो गई। जब मुझे भतीजे ने छोड़ा ना तो मैं इंडिपेंडेंट होगी, 4-5 महीने रख लिए। ओके ओके ओके, यू आर सिलेक्टेड। ओके फाइन, क्या नाम है तुम्हारा? व्हाटएवर यार, मेरी एक प्रॉब्लम है कि 1 से 17 तक की सारी डेट्स मेरी ब्लॉक है, समझे? और हाँ एक बात कान खोल के सुन लो। अब क्या है? मुझे अलग से वैनिटी चाहिए, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। और हाँ बाद में मत कहना भड़क जाती हूँ। और हाँ भाई भाग यहाँ से। देखा डर के भाग गई। ए छोटू तेरे डर से नहीं भागी, वो तो आज करवा चौथ है, पति से पहले घर पहुंचना है। अरे लेकिन अर्चना तो यही है। अरे हाँ अर्चना जी, आप तो करवा चौथ यही मनाएंगे ना, परमित बार बार आता ना यहाँ पे। सेठ मैं तितली चंपा बार से। अरे ये बार नहीं है, यहाँ खेलना पड़ता है। सर मैं भी बहुत खेली दिलों से मालूम। यहाँ पसीना बहाना पड़ता है। मैं भी उधर बहुत पसीना बहाती, कितना नाचना पड़ता है मेरे को मालूम। अरे खिलाड़ी लोग बॉल ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। तो क्या सेठ, उधर बेवड़े लोग भी ऐसे ऐसे होते रहते हैं। मजाल है, मैंने किसी को निकलने दिया मालूम। ओके यू आर सिलेक्टेड। लेकिन सुन, प्रैक्टिस सुबह 4 बजे शुरू होगी। इसमें लोचा है क्यों? मैं तो 4 बजे घर आती। तो एक काम करना, अभी शुरू कर ले, ये ले पकड़ हॉकी, खेल के दिखा। क्यों? मेरे को हॉकी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं तो अखियों से खेलती। तेरी आंखें फोड़ दूं उसके पहले निकल तू। अरे सेठ मैं मसाज भी देती। अरे चल निकल। अरे सेठ मेरे को रख ले टीम पे। चल निकल। अरे चल निकल। अब लड़कियां कहां से लाऊं यार? सुरविन कैन यू हेल्प? स्टेट्स के नाम ना मुझे सुनाई देते हैं ना, दिखाई। सर मैं भारती गली नंबर 5। गुड, तुम्हारा शौक क्या है? खाना खाना। तो तुम हॉकी मत खेलो, भूखे मरोगी। आपकी सेहत देख के लग ही रहा है सर। हा? अगर आपको भी भरपेट खाना खाना है ना, हा? तो मेरे साथ कॉमेडी सर्कस में चलो। नहीं नहीं वहाँ तो बहुत बेइज्जती होती है। क्या बात करते सर, उधर बेइज्जती के पैसे मिलते हैं, इधर में तो मुफ्त में हो रही है। ये भी सही है,
तो एक काम करता हूँ, तेरे साथ कॉमेडी सर्कस चलो। चलो सर, चल। ये क्या, इन दो बैगों में क्या है? अरे ये बॉलीवुड के हर स्टार के पास ये दो बैग होती है। अच्छा, छोटे में टैलेंट होता है और बड़े में ईगो। चलो एक मिनट सर, मैं जहाँ आपको लेके जा रही हूँ ना, वहाँ हमारे सब खिलाड़ियों के पास एक बड़े वाला बैग है बस। इतना बड़ा ईगो है सबका? अरे नहीं सर, बड़ा बैग भर के टैलेंट। ये है सर कॉमेडी सर्कस, और वो देखिए हमारे टैलेंटेड, इनसे भी बड़े बैग वाले जजेस। देखते हैं कितने टैलेंट वाले कमेंट्स देते हैं। अर्चना, परेश, I think you were very, very, very good in this act, but this act belongs to Bharti. There were parts of the act which were not very, very, very good. Lekin on the whole, I love the act actually. Fantastic. Rohit. Overall, मुझे ऐसा लगा जो caliber है आप लोगों का, जिस तरह से आप लोग perform करते आए हैं, उस level का ये act नहीं था, उस level का performance भी नहीं था. That's what I felt. स्कोर्स की बारी। मेरे स्कोर्स से मालूम पड़ेगा कि वेदर आई अग्री और डिसएग्री विद रोहित। 9 points, 7 points। पुराने जमाने की उमराव जान रेखा टकरा गई हैं आज की उमराव जान ऐश्वर्या से। प्लीज वेलकम द चैंपियंस अली एज रेखा एंड स्वप्निल एज ऐश्वर्या। चलिए इस बार जान ही ले लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। सच कह रही हूँ, दूसरी बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वन टेक तवाइफ जो हूँ। लो आ गई सीएनजी तवाइफ। कितना चलेगी तू? क्यों, आप पेट्रोल पे चलती हैं क्या? बदतमीज, कौन है तू? आई एम जान, उमराव जान। जेम्स बॉन्ड के यहाँ से आ रही है क्या? आई एम जान, उमराव जान। अरे उमराव जान की अपनी एक अदा है, तहजीब है, तलफुज है। धड़ तवायफ का और मुंह जावेद साहब का। बड़ी आई तलफ 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 फुस। या मेक इट टू या बदतमीज। ये बता क्यों मिलने आई है मुझसे? टिप्स लेने आई हूँ, क्योंकि उमराव जान का ये वर्जन तो पुराना हो गया, मार्केट में उमराव जान के एक नए वर्जन की तलाश है। तवायफों में वर्जन नहीं होते। कवर करने के लिए कोई लाइन नहीं बोलोगी? तू होगी अपने एरिया की मिस यूनिवर्स, लेकिन लोग आज भी मुझ पर मरते हैं। लेकिन आप किस पर मरते हैं? नाम ले लूंगी तो एक छोटा पड़ जाएगा। क्यों, नाम लंबा है क्या? नहीं, आदमी लंबा है। अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा? हाय, मेरा मतलब है वाई वाई आंटी वाई। आंटी? तू मुझे आंटी कह रही है? अरे आज भी कौले से कौले हीरो मेरे साथ कमबैक कर सकते हैं। इनके गो बैक का टाइम आया है, लेकिन बातें अभी भी कमबैक की कर रही हैं। यू विल गो बैक, यू विल गो बैक। बड़ी आई थी उमराव जान बनने वाली है, 3 बजे लगी और 3:30 बजे उतर भी गई। पत्ता साफ हो गया तुम्हारा? पत्ता क्या, फिल्म बनाने वाला दत्ता भी साफ हो गया। अरे मेरी फिल्म देखकर लोग इतने पागल हो गए कि अपनी कोटियां को तोड़कर कोटे बनाने लग गए। और मेरी फिल्म बनने के बाद प्रोड्यूसर की अपनी कोठी बिक गई। मेरी फिल्म देखने के बाद जवान मर्द अपना काम धंधा छोड़कर कोटे पे आकर तबला बजाने लगे। और मेरी फिल्म देखने के बाद जो कोठे पे तबला बजाते थे वो कॉमेडी शो में आके तबला बजाने लगे। यू मीन सुरेंद्र? हाँ बहन। बहन, जब फिल्म इतनी गंदी थी तो बनाई क्यों? मान गई बहन, मान गई। उमराव जान जैसी कल्ट फिल्म्स का रीमेक होना ही नहीं चाहिए। हमारी समझ में तो ये बात आ गई, मगर ये बात रामू को कौन समझाएगा? समझाएगा अपना बाका जवान। ओ रोहित। नहीं अर्चना। बहन तुम समझाओगी?
कवर करने के लिए कुछ नहीं बोलोगी? थैंक यू अर्चना. आई वॉन्ट टू टेक बोथ ऑफ यू होम बट नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर परमीत. अर्चना जी, कवर करने के लिए कुछ नहीं बोलोगी? आई थिंक द एक्ट वॉज स्वीट बट नॉट वेरी फनी, येट इट वॉज समथिंग वेरी वेरी वॉचेबल एंड वेरी डिलाइट. रोहित, क्या अली कर दूं मैं अभी? नहीं भाई. इट वॉज अ डिसेंट एक्ट. आफ्टर अ पॉइंट खाली मुझे लगा कन्फ्रंटेशन नहीं था दोनों में. यू स्टार्टेड अग्रीइंग ऑन एवरीथिंग. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. अदरवाइज इट वॉज अ डिसेंट एक्ट. स्कोर के लिए तैयार, 9 पॉइंट्स. 8 पॉइंट्स. थैंक यू सर. आज इस गुरुकुल में गुरु चेलों ने मिलकर अपने अपने हुनर दिखाए. अब परिणाम यानी एलिमिनेशन. जजेस स्कोर हमारे पास आ गए हैं और जब तक ऑडियंस स्कोर टैली हो, हम बुलाते हैं एक ऐसे गुरु को जो किसी को किसी भी तरह का ज्ञान दे सकते हैं. प्लीज वेलकम मीठी और प्यारी बोली के मालिक शाना शकील. हाथ मत जोड़ो, पैसे जोड़ो. बड़ा गुलाबी ड्रेस पहना, रात भर तरबूज में सोती रही हो. आपने आज की हमारी सारी परफॉर्मेंसेस देखी शकील भाई. भाई मुझे हर लड़की भाई कह देती अर्चना जी. मुझे लगता है बैंक लूट के इनकी शादी यहाँ करानी पड़ेगी मुझे. मैं इतना दहेज कहाँ से लाऊंगा. चलो ठीक है बहन, बोलो. आपने जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो आप हमारे परफॉर्मेंस के बारे में क्या? सबों ने अच्छा किया है. सबों के लिए एक दफा बहुत सारी तालियां. लेकिन इस बच्ची को मैं प्यार करूंगा. ये क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं नज़र. एक नजराना होता है. ये टॉफी खाना मेरी तरफ से. बहुत अच्छा किया तुमने शकील. हाँ तो ये एक तरह से मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है. माशाल्लाह ऐसा बच्चा दिल करता बड़ा ही ना हो. बाकी सब ने अच्छा किया माशाल्लाह. सुदेश एक ऐसा जलील है ये आदमी. शमशान घाट में मेरी तस्वीर बना के नीचे लिख के आ गया, जल्द आ रहा है. और कृष्णा तो उससे ज़्यादा है. मुझसे कह रहा शकील भाई यहाँ रहोगे, शूटिंग तो 4 दिन होगी, 2 दिन होगी, कोई काम कर लो. मैंने कहा कोई नौकरी दिला दे यार, फालतू बैठा वो. कह रहा जूते की दुकान पे काम करो. मैंने कहा करना है क्या? बोले कुछ नहीं, मस्जिद से उठा के जूते दुकान पे रखने. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शकील जी. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.